आज एनटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र और देख रहे हैं आप हमारे फेस्टिवल स्पेशल आज रूप चतुर्दशी। और रूप चतुर्दशी पे हम ब्यूटी टिप्स के साथ साथ कैसा कुछ चल रहा है गुलाबी नगर जयपुर में, हम एक सैलून में इस वक्त जहां पे महिलाएं तैयार हो रही हैं और ये खास दिन होता है। पंडित जी भी आपको बताएंगे कि क्या खास है इस दिन का, लेकिन चले हम कुछ ब्यूटी टिप्स को साथ में लेकर के और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि क्या कुछ चल रहा है इस वक्त। आप इन वीडियोज के जरिए आप देख सकते हैं कि ये नजारा एक पार्लर का नहीं है, सभी जगह इसी तरह के हैं। और बताया जा रहा है कि इस बार जो क्राउड है पहले से ही लोगों ने बुक करवाया हुआ था और बाकायदा टाइम स्लॉट लिया हुआ था कि कितने बजे का आपको टाइम मिल रहा है, ये खास रूप से देखा जा सकता है। और इस वक्त हमारे अतिथि के रूप में पूर्णिमा अग्रवाल जी हैं, जो ब्यूटी टिप्स में हम बात भी करना चाहेंगे कि इस बार क्या कुछ खास है और क्या स्पेशल है। जी पूर्णिमा जी, इस बार की अगर हम बात करें तो कैसा रेस्पॉन्स है रूप चतुर्दशी? इस बार बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है हमें क्लाइंट्स की तरफ से, बहुत भीड़ आई है इस बार और उनके लिए हमने फिर बहुत ही रीजनेबल पैकेज निकाले हैं जिससे कि सभी महिलाओं से अफोर्ड कर सके। और इस बार मैंने नोटिस किया कि 3-4 साल के कंपैरिजन में इस बार बहुत जोश है लेडीज में, और लेडीज ही नहीं बल्कि लड़कियां भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं इस बार। जैसे कि हमें पता है ये सावे बहुत ज्यादा हैं नवम्बर में, तो सभी बहुत जोर शोर से तैयारियां कर रही हैं अपनी वेडिंग के लिए भी, तो बहुत अच्छा लग रहा है सबको। पूर्णिमा जी, ये माना जा सकता है कि फेस्टिवल सीजन होता है और सफाई और इस सारी चीजों के साथ साथ तो फिर केयरिंग होता है, जैसे आप कह रही हैं कि उसके बाद में मैरिज शुरू हो जाएंगी, तो उसका भी एक इम्पैक्ट आता है कि चलिए इस दिन को खास बनाया जा सकता है। बिल्कुल, जैसे कि ये महिलाओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डे है रूप चतुर्दशी, जो पूरे साल महिलाएं वेट करती हैं घर की साफ सफाइयां करके, सब कुछ काम करके फ्री होके आज के दिन वो आती हैं खास तौर से अपने आप को पैम्पर करने के लिए। तो आज हमारे पास सुबह से ही लेडीज आ गई हैं, रश है काफी, तो हमने उनका उपटन लगाया है पूरी बॉडी पे जिसमें केसर, हल्दी, चंदन, बेसन, इसका हमने ऑर्गेनिक उपटन बनाया है जिससे हमने उनकी पूरी बॉडी को क्लीन करा है और उसके बाद फेशियल दिया, मैनिक्योर पेडिक्योर दिया। तो सभी महिलाएं एकदम ये सारी सर्विसेज करा के अब हमारे यहाँ पे मेकअप करा रही है जिससे कि वो पूरी तरीके से अपने आप को तैयार कर सकें और शाम की तैयारी कर सकें। पूर्णिमा जी, कुछ खास कहेंगे ब्यूटी टिप्स को लेकर के हमारी दर्शक जो आपको देख रही है इस वक्त कि क्या खास ध्यान रखने की आवश्यकता है इस सीजन, क्योंकि बदलता हुआ मौसम है। पंडित भी ये कहते हैं कि कार्तिक का जो मास शुरू होता है तो वहां ठंडे खाने को निषेध कर दिया जाता है। हमने एक दिन पहले ही धनतेरस को जब पंडित ज्योतिषाचार्य को जोड़ा, तो आप भी कुछ कहना चाहेंगे ब्यूटी टिप्स को लेकर के क्या खास ध्यान रखने की आवश्यकता? जैसे कि महिलाएं सबसे ज्यादा कम ध्यान अपने आप पे ही देती हैं त्योहार पे, घर को ही सजाने में और सबका खाना पीना बनाने में ही लगी रहती हैं, तो मैं बोलना चाहूंगी स्पेशली महिलाओं को कि वो अपना भी ध्यान रखें। जैसे कि हमें पता है भी डेंगू, चिकनगुनिया, बहुत सारी बीमारियां फैल रही है, तो गरम गरम ताजा खाना खाएं, बाजार का खाना अवॉइड करें क्योंकि अभी कामकाज में वो बाजार से मंगा लेती हैं खाना, मिठाइयां की जैसे हमें पता ही है कि बहुत ज्यादा मिलावट आ रही है, तो घर पे ही पनीर बनाएं, मिठाइयां घर में बनाएं और अपनी त्वचा का बहुत ध्यान रखें। उसके लिए वो नारियल तेल का यूज करें फेस पे और घर में ही बनी हुई चीजों से अपना फेस पैक बनाएं और अच्छे से लोशन लगाएं, वैसलीन लगाएं, मॉइस्चर रखें अपनी बॉडी को और स्पेशली नारियल तेल पूरी बॉडी पे अच्छे से लगाएं जिससे कि कोई इन्फेक्शन ना हो और स्किन में ड्राइनेस ना हो। बिल्कुल, ड्राइनेस की इस समय होती है, आप साफ सफाई करते हैं, डस्टिंग भी काफी होता है वेदर में, पोल्यूशन का इस समय से काफी बढ़ता है, तो उसमें भी खास रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। चलिए कुछ यहाँ पे जो अभी तैयार हो रही हैं कुछ महिलाएं उनसे भी हम बात करेंगे। जी क्या नाम आपका? मेरा नाम दिव्या शर्मा है। दिव्या जी, आप तो आई थिंक पूरी तैयारी? जी ऑलमोस्ट मैं रेडी हूँ, बस अभी हेयर करवाने हैं। जी तो आपने क्या टाइम स्लॉट लिया या कैसा रेस्पॉन्स है, या अभी आपके फ्रेंड्स भी होंगी मार्केट में रूप चतुर्दशी को देखे कितने क्रेजी? देखो गर्ल्स है हम और हमें बहुत ज्यादा क्रेज होता है कि हम रूप चतुर्दशी को रेडी हो, तो मैं तो ना मॉर्निंग में यहाँ पर आ चुकी थी और मैं बिल्कुल अभी बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी हूँ और अभी हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है रूप चतुर्दशी सेलिब्रेट करने के लिए। चलिए और भी कुछ यहाँ पे कस्टमर हैं उनसे हम बात करना चाहेंगे। जी मैम, हैप्पी रूप चतुर्दशी आपको भी। मैं निकिता, मैं अब फेशियल कराने आई थी, अभी तो थोड़ा सा लेट हो गया मेरा, बस मैं फेशियल के लिए अभी रेडी होने जाऊंगी, अभी काम घर की सफाई वगैरह करके आई हूँ
तो थोड़ा सा बस उसके लिए अभी मैं जाऊंगी। ये माना जा सकता है कि फेस्टिवल सीजन में एक थकान होती है, लंबे समय से काम करते हैं, बोर ये जो दिन होता है इसके बाद में थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि इसे बिल्कुल एकदम रिलैक्स होने का टाइम रूप चतुर्दशी में उसे हम यूज कर सकते हैं। रिलैक्स होने का टाइम तो ऐसे मिलता नहीं, थोड़ा सा ही टाइम मिलता है क्योंकि शाम को फिर दीपावली पूजन की तैयारी करनी है, दिए मेरा स्नेह है तो पूजा होती है तो उसकी तैयारी करनी होती है, थोड़ा सा हमें टाइम मिलता है, पूरा दिन रिलैक्स नहीं हो सकते। ये टाइम भी ऐसा ही होता है कि जिसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई भी टाइमली सो पाता होगा, और एटलीस्ट 6 से 8 घंटे की नींद के लिए अक्सर कहा जाता है, वो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा और बेस्ट टॉनिक होता है किसी की बॉडी के लिए, लेकिन वो किसी को भी नहीं मिल पाता। तो निकिता जी, जो एक टाइम पीरियड होता है रिलैक्स होने का, सोने का, खासकर रात को भी, वो पूरा मिल पाता है? जैसे कि थोड़ा थोड़ा माइंड में चलता रहता है कि कल कैसे करना है, तो वही माइंड में चलता रहता है, उसमें भी रिलैक्स नहीं हो पाते फेस्टिवल में। नींद के टाइम भी हमें लगता है, सोचते रहते हैं कल ऐसे करना है, इस टाइम पे हमें ये करना है, सुबह मॉर्निंग में उठना है, मार्केट जाना है। तो यानी कि नींद से ज्यादा तो प्लानिंग चलती रहती है, कि जिसे हम अर्ध चेतन कहते हैं, कि आप जो स्लीपनेस होती है और उसी को आप इसको चलाते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये दिन खास क्रेजी कहा जा सकता है? हाँ, क्रेजी भी कह सकते हैं इसको। घर की भी साफ सफाई के लिए थोड़ा सा वो हो जाती है, और थोड़ा सा हम लोग को सरने संवरने का टाइम मिल जाता है आज के दिन। चले अपने लिए टाइम निकाले, जैसे कि हमें पूर्णिमा जी ने कहा कि सबसे बड़ी बात है कि आपकी हेल्थ और सेहत या आपकी ब्यूटी अगर आपको मेंटेन करनी है तो आपको खुद को अवेयर होना पड़ेगा। ये चाहे पार्लर हो, चाहे आपके टॉनिक्स हो, या फिर आपके ज्योतिष आचार्य, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप अगर कम्प्लीटली खाना फिर ठीक से नहीं खाएंगे, आप अगर नींद पूरी नहीं लेंगे, तो सब चीजें बेकार होंगी। चले एक और मैडम है जी, क्या नाम आपका? दिस इज प्रियंका। प्रियंका जी, आज का कुछ दिन खास बना रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं सुबह से यहाँ पर आ गई थी 9 बजे, और तब से मैंने फेशियल लिया और मैनीक्योर पेडीक्योर करवाया। मतलब बहुत टाइम से आप जब सफाइयों में लगे रहते हो तो आपकी पूरी बॉडी टायर्ड हो जाती है, तो यहाँ पर आकर बहुत रिलैक्सिंग फील हो रहा है। तो इसके लिए कुछ टाइम स्लॉट बुक कराया आपने? एक्चुअली हाँ, हमने मैम से बात की थी तो उन्होंने हमें जो सुबह का टाइमिंग है वो दिया था, तो उस टाइम पर हम लोग आ गए। तो देखे, इसी तरह का सिलसिला सभी जगह देखा जा सकता है। कुछ यहाँ पे मेल और फीमेल जो अभी यहाँ पे सैलून में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे भी हम जानना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मुकेश जी। जी सर, आज के दिन को लेके आप कितने तैयार हैं? अभी तो कब से सिलसिला शुरू हो जाता है? अभी तो ये कहूँगी दोपहर का 1 बज रहा है, तो शुरू हो चुका है या इवनिंग तक और भी ज्यादा यहाँ पे क्राउड होगा? क्राउड तो रहेगा सर, इवनिंग तक पूरा अच्छे से रहेगा। कैसा रिस्पॉन्स है? अच्छा रिस्पॉन्स है सर, सुबह से अच्छा रिस्पॉन्स है। जो हमने दिवाली मनाई थी कोविड के बाद की, पहले साल की दिवाली थी, क्योंकि थोड़े से लोग करे वैसे थे, लेकिन इस बार खुल के लोग दिल खोल के सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ सर, इस बार सुबह से भीड़ है हमारे सैलून में। जी, तो कुछ टाइम स्लॉट्स वगैरह कुछ इस तरह से रहा आपके यहाँ पे? सुबह से पहले से बुकिंग है सर। ऑफर नहीं हो सकता कि कोई तुरंत आए बैठे कि चलिए कटवा लीजिए, टाइम लगेगा अगर आज कोई। हाँ हाँ सर, हमारा तो बुकिंग खूब है सर, आज पूरे दिन बुकिंग है सर, सुबह से शाम तक। अच्छा, ये सिलसिला कब से शुरू हुआ आपके? सुबह 10 बजे सैलून, 9:30 बजे खुल जाता, 10 बजे आया स्टाफ, तो 10 बजे से चालू है सर। जी जी। और अगर बात करें शहर गुलाबी नगर जयपुर की, काफी फ्रेंड्स होंगे आपके, कुछ लोग मिलने वाले भी होंगे, तो जयपुर में कैसा रेस्पॉन्स है इस बार? अच्छा रेस्पॉन्स है सर, जयपुर में भी अच्छा क्राउड है। जी, क्या कुछ खास है, खासकर अगर बॉयज की बात करें, जेंट्स की बात करें, तो चलन में रूप चतुर्दशी को लेकर के क्या खास लोग अपनाना चाहते हैं, हेयर स्टाइल या फिर क्या बताएंगे कुछ हमारे दर्शकों को? हेयर स्टाइल तो आते ही है सर, हेयर नहीं, खास क्या है, कुछ अलग प्रचलन में है, कुछ है कि हाँ ट्रेंड बदल गया हो? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोग सिर्फ दाढ़ी बढ़ा रहे हैं और बाल कटवा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बाल कटा रहे हैं, दाढ़ी अच्छे से सेट कर रहे हैं, करवा रहे हैं। तो यही सब कुछ है। जी जी जी। तो चले, मुकेश जी ये कहना है कि अभी फोकस जो यंग जनरेशन है वो दाढ़ी पे काफी फोकस कर रही है, कोई ट्रिम करवा रहा है, कोई उस पे ध्यान देने के लिए, अभी तो देखिए शुरुआत है। और क्योंकि इवनिंग में महिलाएं जो होती हैं वो तैयार होकर के, पूजा का होता है, किसी के जाना होता है, रामा सामा का वक्त होता है, वो सिलसिला शुरू हो जाता है, तो ये एक लंबे समय तक चलता है। मैं वापस एक बार
पूर्णिमा जी को जोड़ना चाहूंगा। पूर्णिमा जी, हम जैसे बात कर रहे थे अभी मुकेश जी से भी और ब्यूटी टिप्स को लेकर के, मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी के लिए खासकर इस वेदर में जो चेंजिंग होती है, इसमें क्या कुछ खास ध्यान रखना चाहूंगा? इस वक्त सबसे ज्यादा बीमारियों से बचने पे हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे भी हमें लगे कि हमारी बॉडी में दर्द हो रहा है या हमें कुछ डिजीनेस लग रही है तो हमें इमीडिएट डॉक्टर को दिखाना चाहिए, बॉडी मसाज करानी चाहिए, अच्छे से अपनी पूरी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए। कई लोग लापरवाहियां कर देते हैं, डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं कि हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, पर मेरे हिसाब से जैसे आपको कुछ भी बॉडी के अंदर लगे कि बुखार आ रहा है या थकान ज्यादा हो रही है, वीकनेस लग रही है, तो हमें इमीडिएट डॉक्टर को दिखाना चाहिए और अपने आप को रिलैक्स रखना चाहिए। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए कि दिवाली है तो हमें ये भी करना चाहिए, जितना हो पाए उतना लेडीज को ध्यान देना चाहिए, अदरवाइज नहीं देना चाहिए। बीमार नहीं पड़ना है हमें, फेस्टिवल को एंजॉय करना है। आप सैलून में आके एंजॉय करो, आप मिठाइयां खाओ, मस्ती करो, पर काम काम के अंदर आप अपने आप को बीमार ना करें। सबसे ज्यादा जरूरी तो यही, अगर आपको खुश रहना है तो आपको स्वस्थ रहना होगा। बिल्कुल, सबसे पहली की ये हेल्थ इज वेल्थ। तो दिवाली को आप सभी बहुत अच्छे से एंजॉय करो, पर उसके साथ अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। उसके लिए मैंने बताया जैसे कि कुछ भी आपको लगता है थोड़ा बहुत भी, आप इमीडिएट डॉक्टर को दिखाइए, आप कोई भी ट्रीटमेंट ले लीजिए, लापरवाहियां बिल्कुल मत दीजिए। जैसे कि पटाखे का धुआं है तो फेस मास्क लगा के ही आप पटाखे छुड़ाएं, क्योंकि धुआं से सबसे ज्यादा बीमारी फैलती है। और खाने पीने का पानी पीते रहिए, हाइड्रेट रखिए बॉडी को, क्योंकि अभी इस वक्त इतनी गर्मी हो गई है, इमीडिएट आपको पानी बिल्कुल रेगुलर पीना है। शिकंजी पीजिए, नींबू पानी पीते रहिए, नारियल पानी पीते रहिए। अगर आपको खाने का टाइम भी नहीं मिल रहा है तो अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए पूर्णिमा जी, मैं वापस से आप लोगों को जोड़ूंगा, लेकिन यहाँ बीच में हम एक बार ज्योतिषाचार्य पुरुषोत्तम गौड़ साहब हमारे साथ में जुड़े थे, उनको वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आज के दिन के लिए, जरा सुनिए ज्योतिषाचार्य को। रूप चतुर्दशी के दिन प्रत्येक माता बहन अपना सजन सजने संवरने का काम करती हैं, पार्लर्स में जाती हैं, और इस दिन विशेष रूप से हनुमान जयंती कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हनुमान जी का प्राकट हुआ हनुमान जयंती के पर्व के रूप में ही ये पर्व को माना जाए, क्योंकि इस दिन हनुमान जी के उपासक हनुमान बाहु के पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, सुंदरकांड करते हैं, वाल्मीकि सुंदरकांड करते हैं, अखंड 24 घंटे की रामायण बैठाते हैं, और कार्तिक का महीना क्यों नहीं बैठाएंगे, कार्तिक पावन पवित्र महीना माना जाता है, इसलिए हनुमान उपासक यहाँ हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं। तो चलिए ज्योतिषाचार्य पुरुषोत्तम गौड़, जिन्होंने इस दिन को कैसे खास बना सकते हैं उसको लेकर के उन्होंने चर्चा की है, और उनका साफ कहना है कि ये दिन कुछ खास होता है ज्योतिषाचार्यों के तहत भी और हमारे जो ग्रंथ है उनके अनुसार भी। साफ सफाई की बात, और उसके बाद में अगर यूं अगर साइंटिफिक रीजन भी अगर हम देखें इसका, बहुत सारे लोग ये यकीन करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, तो आप जब थके होते हैं आपको रिलैक्स के लिए, आज आधुनिक युग है, उससे पहले भी इसी तरह से महिलाएं साफ सफाई के बाद में दीपावली के एक दिन पहले रूप चतुर्दशी इसी वजह से कहते हैं इसको, ताकि आप रिलैक्स, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल चेहरे पे निखार ला करके और बिल्कुल पार्लर में जाकर के या आप सज धज करके ही तभी रूप चतुर्दशी बनेगी। लोग पहले घरों में भी अपने तैयार होते थे, ओपन के जरिए तैयार होते थे, अच्छे से शैम्पू करके तैयार होते, चले जब शैम्पू नहीं हुआ करते थे तो भी लोग ये कहते थे कि मुल्तानी मिट्टी जो होती थी उससे भी लोग सिर धोते थे। मैंने उस दौर की भी लोगों से चर्चा की है, गांवों में इतने कुछ संसाधन नहीं है, लेकिन वो भी मान के चलते हैं कि एक दिन पहले ठीक से तैयार होना, और इसका एक जो लॉजिक उन्होंने बताया कि लक्ष्मी जी की बहन जो थी उनको इस दिन के लिए कुछ खास से जब जाले और चीजें गंदगी घर से साफ करने होती थी वो उनको वही पसंद थी, और लक्ष्मी जी को खुशहाली के लिए और बिल्कुल सब कुछ एकदम साफ सुथरा होना चाहिए वो पसंद था, तो कौन चाहेगा, नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है इस दिन को। तो चलिए वापस मैं कुछ रुक करना चाहूंगा, और हमारे जो साथी हैं यहाँ पे एक बार इन सभी में बात करना चाहूंगा। चलिए अनिल हमारे साथ में है और उनसे बात करना चाहेंगे, कई जगह ये इन्होंने आज बातचीत की, देखा है कैसा रेस्पॉन्स है। अनिल, अगर हम बात करें रूप चतुर्दशी की तो कैसा रेस्पॉन्स है आज शहर में? देखिए, ये दिवाली जो है खास है, और दीपावली के पर्व को तो यूं देखा जाए देश भर में काफी बेहतरीन तरीके से मनाया जाता है। जयपुर में
रूप चतुर्दशी को देखा जाए, धनतेरस की बात अगर की जाए, और खासतौर से यहाँ की जगमग रोशनी को अगर भी देखा जाए, तो तमाम जो चीजें हैं जयपुर की खास हैं। जयपुर की दिवाली ही अपने आप में खास मानी जाती है। और आज का जो त्यौहार है रूप चतुर्दशी का, हम देख रहे हैं सैलून में लोग पहुंच रहे हैं, खासतौर से सजावट श्रृंगार महिलाएं जो हैं वो श्रृंगार करवाने के लिए पहुंच रही हैं। ये तो हर सैलून की जो स्थिति है, भीड़भाड़ की स्थिति देखी जा सकती है, और पहले से ही प्री बुकिंग जो है वो तमाम जगहों पर यहाँ पर की गई है। जयपुर शहर के तमाम जो जगह पर जहाँ पर सैलून है, वीआईपी एरिया, चाहे वैशाली नगर की बात की जाए, मानसरोवर की बात की जाए, राजा पार्क जैसे एरियाज की बात की जाए, तो वहाँ पर जो सैलून है वहाँ पर प्री बुकिंग है, हाउसफुल है। अगर आज कोई तुरंत आ रहा है वो सजावट के लिए कह रहा है तो शायद उनको टाइम नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में अब जो दौर चल रहा है, क्योंकि पहले हम देखते थे अक्सर तौर पर घर पे ही साज सज्जा का काम होता था, लेकिन अब घर की बजाय सैलून की ओर ज्यादा लोग रुख करते हैं। इसकी खासियत भी वजह भी है, क्योंकि एक तो बेहतरीन जो डेकोरेशन वो कहीं ना कहीं हो पाती है, अच्छी साज सज्जा हो पाती है, संजने संवरने के लिए जो समय मिल पाता है महिला वो घर पर नहीं कर पाती है, क्योंकि दिवाली का जो समय रहता है, दिवाली में घर को साफ सफाई में लगी रहती है। पिछले 10 से 15 दिन तक हमने देखा घर की साफ सफाई वहां पर की गई, जाले रखाए गए, जो एक तरह से कहा जाता है जितनी सफाई स्वच्छता वहां पर की गई वो वहां पर की गई। अब दौर है महिलाओं के सजने संवरने का, क्योंकि कल लक्ष्मी जी की पूजा भी करनी है। साफ सफाई और लक्ष्मी जी की पूजा महिलाओं के लिए खासतौर से ये दिन है, वो इसीलिए माना जाता है। यही वजह है कि आज रूप चतुर्दशी के दिन के ऊपर सैलून में जो बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंच रही हैं। बिल्कुल, मैं एक आपको दिखाना चाहूंगा, देखो इसी तरह से प्रोडक्ट को भी डिस्प्ले किया है। और ये ब्यूटी टिप्स के साथ साथ कौन सा किसे लोशन हो, चाहे फेस पैक हो या फिर फाउंडेशन हो, हर स्किन के साथ में उसको उसी तरह से टचिंग दी जा रही है। और ये देखे आप, अगर हम बात करें तो खासकर किस स्किन पे कौन सा फिट बैठता है उसी को आप लेकर के, और चले मैं आप तो मैम आपको हाँ बस अभी अभी जो हम होते हैं गर्ल्स वगैरह महिलाएं होती है वो कितना भी रेडी हो जाए उनका कुछ ना कुछ बाकी रहता ही। अभी क्या बाकी रह गया? अभी मुझे और लग रहा है कि मुझे हेयर अच्छे से और करवाने चाहिए, तो मैं फिर से हेयर करवा रही हूँ। और मैं बस अभी मैं एक चीज जानना चाहूंगा आपसे कि जब ये तैयार हो जाएंगे उसके बाद में घर के काम है भी, तो क्योंकि दोपहर का वक्त है, रात तक आपको सेलिब्रेट करना है, तो फिर सब कैसे मैनेज? देखो मैनेज तो करना पड़ता है क्योंकि महिलाएं हैं, तो ऑफ कोर्स हमारा मैनेजमेंट ही चलता रहता है। तो अभी हम घर से आए हैं रेडी होकर, क्योंकि रेडी होने यहाँ पर हम आए हैं और घर पे पूरी सफाई कर आए हैं। बस अभी हम रेडी होके घर पे जाएंगे और हम पूजा करेंगे, दिए जलाएंगे और बाहर लाइटिंग देखने जाएंगे, बिकॉज मैं उसको लेकर भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जयपुर में और यहाँ की रोशनी जो लाइट्स होती है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है, बिल्कुल हमारी तरह, तो उसे भी हम देखने जाएंगे। जी चलिए, हर आदमी अपनी तरह से क्रेजी होता है, तैयार होंगे उसके बाद में सेलिब्रेशन की धूम रहेगी, और उसी के साथ में जयपुर की लाइटिंग भी, जयपुर का खान पान हो, फिर लाइटिंग हो और सजना सवरना, तो मुझे लगता है कि सभी जगह खास है। कि मैम जयपुर में कुछ खास है सजने सवरने का भी अंदाज़? हाँ, जो जयपुर की विमेन हैं वो बहुत ज्यादा क्रेजी हैं, अपने हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस हैं, अपने ब्यूटी को लेकर, अपनी स्किन को लेकर बहुत कॉन्शियस हैं। तो आज मैंने सुबह से ही देख रही हूँ हमारे जो नेबरहुड में जो गर्ल्स हैं या जो लेडीज हैं, सब लोग पार्लर्स पे जा रही हैं, सब लोग अपना जो मेकअप है और जो अपना रूप है उसको संवारने की कोशिश कर रही है। एनी हाउ मैंने मैम से भी पूछा कि हम गर्ल्स हैं और काफी क्रेजी होते हैं, तो दिन भर फिर कैसे मैनेज करेंगे आप, क्योंकि अभी मेकअप वगैरह सब हो चुका है, दिन भर का वक्त पड़ा है, अभी जाना भी है, खाना भी है, घर के काम भी होंगे। एक्चुअली हम लोग सब कुछ मैनेज करके आए हैं, इतने दिन से हम प्रॉपर क्लीनिंग में लगे हुए थे और कुछ नहीं था हमारा काम, तो हमने वो सब कुछ निपटा दिया है। अब हमारे पास सिर्फ अपने लिए टाइम हमने निकाला है, क्योंकि हम लोग ग्रह लक्ष्मी हमें बोला जाता है, तो हम लोग अब चाह रहे हैं कि हमें उस रूप में देखें लोग कि अब बहुत हो गया, तो अब हम अपने आप को टाइम दे रहे हैं, इट्स मी टाइम, तो हम लोग वो इंजॉय कर रहे हैं। शाम को जाके पूजा करेंगे, रील्स बनाएंगे बहुत सारी और पिक्स लेंगे, बस आज हमारा यही काम है। ये
तो पूरे मेकअप को मोबाइल में भी उतारना है जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि इस समय ट्रेंड में क्या चल रहा है, खासकर लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए भी हेयर स्टाइल है या क्या कुछ खास है मेकअप में? आई थिंक वो डिपेंड करता है सबके फेस पे, सबकी स्किन पे या सबकी पर्सनैलिटी पे। सब अपने अपना पर्सनैलिटी कैरी करते हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग जो उन्हें ठीक लगता है, जो उनके ऊपर सूट करता है, जो कंफर्टेबल लगता है उन्हें, वो उसी हिसाब से सब लोग अपना मेकअप करवा रहे हैं। इट्स नथिंग स्पेशल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मुझे जहां तक लगता है। सब लोग अपनी मतलब रेट्रो लुक, मैं कह सकती हूँ कि रेट्रो लुक पे जा रहे हैं लोग। थोड़ा सा वो पुरानी जो स्टार्स थी हमारी, उनको वो कॉपी कर रहे हैं, या फिर मेकअप जो है वो थोड़ा नेचुरल प्रोडक्ट्स को वो यूज करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा ऑर्गेनिक यूज करना चाह रहे हैं, दैट्स ऑल। बिल्कुल ऑर्गेनिक। देखिए हमारी, क्योंकि हमारी जड़ी बूटियां और हमारी जो चीजें हैं वो हमेशा से फेमस रही हैं और लोग यूज भी करते हैं। मैं कई बार किसी रिसोर्ट और इनमें लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि खास रूप से खास चीज के लिए यहीं पे लोग आते हैं और यही भारत की जो संस्कृति और खूबी है उसी के लिए आते हैं। तो चलिए, ये दीपक भारत की खुशहाली का प्रतीक है और ये जोत जल चुकी है। इसी दीपोत्सव के साथ में 5 दिन का दीपोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। हर दिन कुछ अलग होता है, लेकिन इस बार 6 दिन का रहेगा और लोग उसी तरह से सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। क्यों, कई बार ये भी लोग कहते हैं कि 5 ही दिन क्यों, ये तो 10 दिन चलना चाहिए। यूं तो दीपावली ही नहीं, ये जोत हमेशा आपके दिल में रहनी चाहिए, यही खुशहाली है। आप सभी को रूप चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी विशेष पेशकश में इतनी ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।